हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे सैमसंग गैलेक्सी वॉच को गैलेक्सी वेरेबल ऐप से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, पहले मैं आपको इसको पेयर करके दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखा दूंगा कि कैसे स्टार्टिंग में जब आप ऐप में ईमेल आईडी डालते हो और पूरा जब वॉच आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, जब आप फर्स्ट टाइम वॉच को खोलते हो, तब से मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको रेगुलर में कैसे कनेक्ट करना है। तो अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि वॉच स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जैसे स्क्रॉल अप करोगे तो आपको सबसे पहले ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको नेट, ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रखना जरूरी है। तो आप यहाँ देखोगे तो गैलेक्सी वॉच 4 यहाँ लिख के आ रही है। तो अब मैं ऐप खोलूंगा, गैलेक्सी वेरेबल ऐप। तो अब आप देखोगे तो यहाँ वॉच फाइंड होगी, आपको यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ डिवाइस सर्च होगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ वॉच फाइंड हो चुकी है। अब मैं वॉच पर क्लिक करूंगा तो आपको एक नंबर आएगा, आपको उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ मैं ओके पे क्लिक करूंगा और मैं कंफर्म कर दूंगा। तो अब आपको अलाउ करना है कि वॉच कॉन्टैक्ट SMS सबकी एक्सेस लेगी और आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को सबको एग्री कर देना है। तो अब यहाँ गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, आपको उसको भी एग्री करना पड़ता है। अब वॉच जो है वो फोन में पूरा डाटा आएगा और वॉच रेडी होगी और वॉच फिर क्विकली पेयर हो जाएगी। आप बस ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करोगे तो वॉच पेयर हो जाएगी। अभी ये डाटा जो है फोन को वॉच में जा रहा है। तो गाइस, डाउनलोड होने के बाद ये गूगल अकाउंट के लिए, तो सैमसंग अकाउंट को तो वॉच खुद ही साइन इन कर लेती है, पर गूगल अकाउंट को आपको साइन इन करना पड़ता है। मैंने वो स्किप कर दिया, पर आप साइन इन कर लेना। तो बैकअप ऑन करने का भी एक ऑप्शन था, मैंने वो भी स्किप कर दिया। तो अगर आपको चाहिए कि आप वॉच का बैकअप ऑन रखो तो आप ऑन रख सकते हो, और जब जब वॉच फिर ऐप से कनेक्ट होगी उसमें बैकअप आ जाएगा। तो इतना ही पूरा सेटअप होता है, अभी फिनिश हो रहा है। तो आप देखोगे तो वॉच कनेक्ट हो चुकी है पूरी तरीके से और यह सेटअप भी पूरा फिनिश हो रहा है, वॉच स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देखोगे तो आपको सबसे पहले जो आपके सैमसंग अकाउंट का नाम है आपको वो देखने मिलेगा। तो यहाँ मेरे सैमसंग अकाउंट का ये नाम है, इसलिए ये यहाँ ये आया। जो भी आपका नाम होगा वो लिख के आएगा, बैटरी लिख के आ जाएगी वॉच में। और आप देखोगे तो आपको पहला लुक वॉच का ऐसे मिलेगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ आपको पूरे फीचर्स देखने मिलेंगे इस ऐप में। तो आप वॉच को फाइंड कर सकते हो यहाँ से। तो जैसे आप यहाँ वॉच को फाइंड करने पर क्लिक करोगे तो ये स्मार्ट थिंग से वॉच की लोकेशन दिखा देगा आपको कि वॉच अभी कहाँ है करंटली। और अगर आपको वॉच के थ्रू फाइंड करना है फोन को तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। आप बस यहाँ क्लिक करोगे फाइंड पे, फोन रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप वॉच के थ्रू फोन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। और यहाँ आपको काफी सारे वॉच फेसेस देखने मिलेंगे क्योंकि इस वॉच में कई सारे वॉच फेसेस है। तो आप कोई भी वॉच फेस को ऐप के थ्रू ही सेट कर सकते हो और आप ये सब वॉच फेसेस यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मेरे को पर्सनली ये सब वॉच फेसेस बहुत पसंद आए, तो मैं आपको एक वॉच फेस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये वाला वॉच फेस इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। तो पहले ये ऐप में डाउनलोड होगा, उसके बाद वॉच में अपलोड होगा। तो आप देख सकते हो कि वॉलपेपर डाउनलोड हो चुका है। तो आप डाउनलोड होने के बाद इसको अपलोड कर सकते हो वॉच में और आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और गैलेक्सी वॉच 5 का भी नवा वॉलपेपर आया जो कि लाइव वॉलपेपर है। तो आप कोई भी वॉलपेपर इसमें डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ आपको ऐप्स के भी वॉलपेपर मिल जाते हैं कि आप ऐप के थ्रू लगा सकते हो। और इसमें कस्टम वॉलपेपर का भी ऑप्शन है इस वॉच में। तो यहाँ आपके जो भी वॉच में भी वॉलपेपर्स लगे हैं वो दिखेंगे और यहाँ से आप कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो वॉच में। अब जैसे ही कोई वॉलपेपर पे क्लिक करोगे वो वॉलपेपर वॉच में आ जाएगा। तो इसमें कई सारे वॉलपेपर है और इसका डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, इसलिए वॉलपेपर्स काफी अच्छे लगते हैं। और ये जितने भी वॉलपेपर्स आपको पहले वाले दिख रहे होंगे सब डाउनलोडेड है वॉच में। तो आप वॉच फेसेस लगा सकते हो और आपको ऐप की पूरी स्क्रीन देखने मिलेगी कि यहाँ कितने ऐप्स आपकी वॉच में। और आप ऐप्स
पूरे देख सकते हो और यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो ऐप्स की। और यहाँ कुछ ऐप्स मिलेंगे आपको जो कि स्पॉटिफाई है, ये एलियन वाला ऐप परचेस में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस ऐप है इस वॉच में, तो आप यहाँ से ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हो। और जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में वॉच को लॉग इन करोगे तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपनी वॉच में। पर गाइज इसमें सारे ऐप्स डाउनलोड नहीं होते, आप व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे तो वो नहीं होगा, इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं होगा, तो सिर्फ कुछ कुछ ऐप्स डाउनलोड होते हैं जो सिर्फ वॉच में चलते हैं, पूरे ऐप्स डाउनलोड नहीं होते। और यहाँ आपको जो आप यहाँ से स्वैप करोगे तो आपको ये एक्सरसाइज की जो भी ऐप्स है आपको वो देखने मिलेंगे, तो आप यहाँ से ऐड्स कर सकते हो। जैसे कि अब मुझे यहाँ ऐड करना है म्यूजिक कंट्रोलर, तो यहाँ मैं म्यूजिक कंट्रोलर ऐड कर लूँगा, तो आप देखोगे तो मेरे को यहाँ म्यूजिक कंट्रोलर मिल जाएगा। तो यहाँ आपको सबसे लास्ट में जो म्यूजिक प्लेयर है वो दिखेगा। यहाँ एम एक्स प्लेयर इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने लास्ट सॉन्ग एम एक्स प्लेयर में प्ले किया था। तो आप यहाँ से कोई भी ऐप ऐड कर सकते हो वॉच में और सेव भी कर सकते हो उसको। और आप जाओगे तो यहाँ आपको क्विक पैनल देखने मिलेगा जिसमें आप वाईफाई ये सब जो ऑन करते हो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, और इसका प्लेस भी चेंज कर सकते हो इसमें। और वॉच सेटिंग्स में आप वॉच की पूरी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर सकते हो फ़ोन के थ्रू, या पूरी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, वॉच को अपडेट कर सकते हो, वॉच को फाइंड कर सकते हो, उसकी टिप्स ट्रिक्स देख सकते हो। और यहाँ आपको स्टोर मिलेगा और यहाँ से आप वॉच को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ वॉच को डिस्कनेक्ट कर दूंगा और मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ वॉच को। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी वॉच में जब आप कनेक्ट करोगे तो ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रहना ज़रूरी है। अगर ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रहेगा तभी आपकी वॉच कनेक्ट हो पाएगी। अब मैं यहाँ वापस ऐप में जाऊँगा, तो अब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो इजीली आपकी वॉच कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए अब आपकी वॉच कनेक्टेड है ऐप से, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो वॉच को। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ वॉच फेस अपडेट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि वॉच फेस अपडेट हो चुका है। तो गाइज ये थे पूरे फीचर गैलेक्सी वेरेबल ऐप के, तो आप इजीली अपनी वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि पैर कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।